क्या इंडिया से डायरेक्ट गाड़ी चला के हम लोग सऊदी में गाड़ी चला सकते हैं? तो बिल्कुल गाड़ी चला सकते हो भाई, यहाँ इतना इजी है ना भाई। तो लो भैया अभी को पहुंचे हैं और टाइम देखो कितना हो रहा है। आगे खला सका टाइम है गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं भाई बढ़िया होगे। तो कल जुमा था, तो कल जुमे को मैं मैडम को छोड़ के आया हूँ उसके माँ के घर पे, मेरे कपिल के ससुरारी में। तो मैं आज जा रहा हूँ वहीं उसी को लाने के लिए। तो आप लोग फुल वीडियो बने रहो और मज़ा आने वाला है। और देखो अभी 4:30 हो गया है और सब कोई सो रहा है मुझे छोड़ के, सब कोई सो रहा है क्योंकि सब कोई 2 बजे ड्यूटी से आया था। ये देखो ये हमारे बगल में पाकिस्तानी भाई हैं, वो भी नहीं है, ये ताहिर भाई भी सोए हैं और एक मैं ही अभी जगह हूँ। शमसुल तो अभी गया होगा मैडम को लाने। तो ये मेरी गाड़ी है और चलते हम लोग मैडम को लेके आते हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है मेरी मैडम का माँ का घर, जो कि मेरे कपिल का ससुरारी। 2-3 साल हो गए आज तक नहीं देखे हैं कि मेरा कपिल अपने ससुरारी गया हो, चाहे वहाँ कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होता है तो वहाँ उसमें भी नहीं जाते हैं भाई ये, है ना, वहाँ के यहाँ आते हैं सब। बस ये लड़की और बस लड़की मेरी मैडम बस जाती है और लड़का बस ये नहीं जाते हैं यहाँ। ये चीज़ मैं देखा हूँ भाई शुरू से ही। तो देखो शाम हो गया है, मौसम तो चलते हैं भाई। ये मेरे बोनट है, ये मेरा बुड्ढा बोलता है चलाता है, मैं बोला नहीं, मैं नहीं चलाता हूँ, ये मुझे नहीं आता, गियर वाला ये गाड़ी अंदर से देखो गियर वाला है, मैं बोला ये नहीं चलाता हूँ। तो ऐसे ही खड़ी रहती है, बस कोई चीज़ खरीद के आता है सामान आता है इसी से, और नहीं तो ऐसे ही खड़ी रहती है। ये मेरा कपिल का भाई का गाड़ी, देखो कितना छोटा गाड़ी चलाता है, देखो कितना पानी डाल डाल के गड्ढा हो गया भाई। कोई डाला है पानी थोड़ा बहुत, मैं वो दूसरा वाला खोल दिया हूँ। तो चलते हैं भाई यार, ये तो चलो चलते हैं और बुला के ले आ लेते हैं, क्योंकि आज से मेरा फुर्सत हो गया भाई। अभी 1 हफ्ता हमारा कहीं ड्यूटी नहीं लगेगा क्योंकि अभी से हो गया हमारा छुट्टी, बस स्कूल जाना है, मदरसा जाना है और लेके आना है। तो कुछ नाश्ता उस्ता कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं टाइम। तो देखो अभी नाम ले रहा था और मैडम का फ़ोन भी आ गया। देखे ये सिस्टम है, मुझे मालूम था ना अभी फ़ोन आएगा, तो देखो फ़ोन आ गया और चलते हैं लेके। गाइस नाश्ता तो कर नहीं पाए यार, देखो अभी ये इसमें था पराठा और आटा, तो अभी इसको रख देते हैं और पैसा ले लेते हैं वहीं कर लेंगे चल के, ठीक है। इसको रख देंगे रात में कर लेंगे या तो फ्रिज में डाल देंगे, पराठा है तो ये तो फराटा है, फ्रिज में डाल देंगे तो थोड़ी ख़राब हो जाएगा, नहीं ख़राब ही हो जाएगा तो फेंक देंगे दूसरा ले आएंगे, क्या दिक्कत है। तो ये ले लेते हैं अपना बटुआ, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं है भाई, बहुत कम पैसा है, देखो खर्चा और चले के रखता हूँ मैं इसमें। तो चलो चलते हैं भाई, अभी फ़ोन कर दिए तो अभी वो टाइम जोड़ेगी कि इतना टाइम हो गया अभी आया नहीं, अभी आया नहीं। तो बोलती है कि मैं तुझे इतने टाइम पे फ़ोन किया था अभी तू आया नहीं, चाबी किधर रख दिया यार मैं। कहाँ गई मेरी चाबी? ये रहा, चलो आज भर ड्यूटी है, कल से तो खाली रहे भाई। इधर सीट बेल्ट लाजिम लगाना है भाई, कि इधर का कानून है ना जो सुनती नहीं है भाई, जो नियम है उसी पर चलना है, उससे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुए तो लग गई। और देखो कितना बार मैडम कई बार फ़ोन किए, मैं बाहर था और देख नहीं पाया मैं, देख 3 बार फ़ोन किए। तो चलो चलते हैं यार, ट्रैफिक लग जाएगा अभी मगरिब के बाद, ट्रैफिक लग जाएगा एकदम। चलो चलो तेरे। तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताना भाई मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जाता है,
थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ वीडियो चल रहा है। तो अपने भाई पे प्यार बनाते रहो, डेली वीडियो आएगा भाई, डेली एवरी डे वीडियो, डेली ब्लॉग। और ये देखो, बोला था ना अभी मगरिब बाद पूरा ट्रैफिक लगेगा, पूरा जाम। ये देखो अभी कुबरी पे जाना है, कुबरी से नीचे ही भाई देखो पहले ही जाम लग गया है। क्या करे इसका मैं, क्या करे। देखो ऊपर जाना है, पूरा ट्रैफिक ये ऐसे चलेगा अभी कम से कम 8-10 बजे तक ऐसे ही जाम रहेगा भाई। अभी पूरा पीछे तक रहता, अभी तो बहुत कम। عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله मुझे एक रील मिली और जो एकदम 100% भाई यहाँ है। जब अगर हिंदी में और कोई केरला वरला में गाड़ी लड़ जाता है ना, तब देखो क्या होता है, कैसे झगड़ा होता है। ये वीडियो देखो, सुनो। ये जो घर से दूर रहते हैं ना, ये बताएंगे तुम्हें घर का असली मतलब। जब सुबह अपनी जिम्मेदारियों का झोला उठाकर ये दफ्तर जाते हैं और शाम को जब थक हार कर अपने किराए के मकान में लौटते हैं, फिर जब माँ को फोन पर झूठ कहते हैं कि सब अच्छा है, सब सही है, मैं खुश हूँ माँ, और फिर जब फोन रख कर रोते हैं ना, ये बताएंगे तुम्हें कि अपने घर। तो कई भैया मैसेज कर रहे थे कि क्या इंडिया से डायरेक्ट गाड़ी चला के हम लोग सऊदी में गाड़ी चला सकते हैं। तो बिल्कुल गाड़ी चला सकते हो भाई, यहाँ इतना इजी है ना भाई, हम बता नहीं सकते आप लोगों। अभी मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ, देखो गाना भी चल रहा है मेरा आराम से, अभी वीडियो बना रहा हूँ तो गाना बन गया हूँ, देखो ये गाना भी चल रहा है और आराम से गाड़ी एकदम लेके जाना है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो अभी हम तुमको समझा दे रहे हैं, अभी तुम लोग देख लो। देखो जैसे कि मैं बीच वाले चल रहा हूँ ना, तो ये है, ये 90-80 का रोड है, ठीक है, तो इस पे 50-60 चल सकते हो। और एकदम जो ये साइड वाला आप लोग देख रहे हो, राइट साइड वाला, एकदम राइट साइड में, उस पे आप और स्लो चल सकते हो। और ये है सबसे स्पीड वाला रोड, देखो ये हमसे सब तेज जा रहे हैं सब ना, तो ये है स्पीड वाला रोड और ये है नॉर्मल, और उससे भी नॉर्मल ये है। तुमको एकदम स्लो जाना है और यमीन जाना है, यमीन मतलब होता है राइट जाना है आपको, तो अपना यमीन पकड़ लो और यहीं से राइट होगा। अभी देखो यहाँ राइट भी आ गया, आपको राइट भी दिखा रहे हैं,
देखो ये जो इशारा दिख रहा है, देखो यहाँ से हो गया। अब जिसको यमीन जाना होगा वो यमीन चला जाएगा, जिसको सीधा जाना है वो सीधा पे चले, और जिसको ज़्यादा तेजी है और जाना है जल्दी जाना है तो अपना स्पीड वाला रास्ता देखो खाली है, मैं चाहूँ तो उस पर भी जा सकता हूँ, मुझे वीडियो बना रहा हूँ तो स्लो जाना है मुझे, तो मैं इस रोड पर बनाना हूँ। तो क्या मुश्किल है भाई, एकदम ईजी है, कोई यहाँ पर डरने उरने वाला बात नहीं है। आप लोग बिंदास हो, बिंदास काम करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मौज मस्ती, ठीक है। और एकदम देखो मस्त मौसम देखो बना। अभी मेरा क्या काम है, अभी जाएंगे मैडम को वहाँ पे फोन करेंगे और मैडम को लेंगे, बस उसके बाद रूम पे हम आ जाएंगे, हमारा काम हो गया खत्म। उसके बाद खाओ बनाओ सो आराम करो, सैलरी भी अच्छा खासा अभी ड्राइवरों का हो गया है। अभी सैलरी अगर नए भी आ रहे हैं तो 1600-1700 रुपये सैलरी है भाई, पुराने जो है उसका तो बात ही अलग है। ये देखो तो ये कुछ भैया मैसेज किए, तो आप लोग को कोई चीज़ पूछना और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दिया करो, ऐसा कोई कमेंट नहीं होता भाई मैं जिसका जवाब नहीं देता हूँ, और इंस्टाग्राम से आप लोग से बात भी हो जाता है, बताया हूँ मैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर दिक्कत परेशानी हो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा भाई और अपलोड करूंगा। तो चलो अभी शाम होने वाला, देखो पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो जाएगा, अभी तो ट्रैफिक है, 4-5 बजे तो ट्रैफिक होता है क्योंकि छुट्टी हो जाता है ऑफिस में, तो रात तो हो जाएगा मुझे जाते जाते। चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे वहाँ से सिर्फ लेके आना है। मुझे चले दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ रोम, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे, कब? मुझे चले दो। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार, तो तू जब इधर आया था तो कौन सा कोना था, किसने बोला था? ले ले ले, ये वाला बिल्डिंग आप लोगों को देखे होगे ना, ये इस पे ऊपर भी अभी कभी ड्यूटी वैसे भी आता हूँ बोलिया, ये तो कभी इसके ऊपर का वीडियो बनाऊंगा, उसमें 25-30 हजार लगता है जाने में। जो ये बिल्डिंग दिख रही है ना उसके ऊपर जो सबसे, वो पूरा गेस्ट हाउस उस पर पूरा मतलब पार्क है भाई, पूरा स्विमिंग पूल है, हर चीज़ है, जैसे दुबई में सबसे ऊपर हर चीज़ है ना वैसे ये रियाद में सबसे बड़ा बिल्डिंग है, तो इसमें भी सारा सिस्टम बना है भाई, इसमें ऊपर जाने के लिए 25 रियाल लगता है। ये भी मेरी गलती है। नहीं 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 सारू के, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर, कैसा हालत हो गया, कैसा हालत हो गया है सब, बेकारियों के साथ सुनना पड़ा। तो लो भैया अभी को पहुंचे हैं, और टाइम देखो कितना हो गया, 8 बज गया, और देखो दिन था तभी हम निकले थे, तो मैडम निकल रही होगी, चलो डिग्गी खोल देते हैं सामान वामान रखने के लिए। और ये है इसका घर, खला सकरात बाकी ताई। तो गाइस अभी हम आ गए हैं रूम पे मैडम को लेके, चलते हैं कुछ सामान उतार के दे दिया सारा, और मैडम की माँ मुझे कुछ दी, आप लोगों को दिखाता हूँ, गाड़ी पार्किंग में लगा देता हूँ, पार्किंग सही नहीं है। तेल देखो खत्म हो गया, अब कल बोलेंगे कपिल को तेल के लिए। ये उसका छूट गया यार, कैसे टेलर ने, देखो मुझे क्या मिला है भाई लोग। देखो ये दी है मेरी कपिल की माँ, काजू है और बादाम है, पिस्ता है, सारा मिक्स है देखो। और ये दी है नया वॉच, कैसा लग रहा है बताओ कमेंट में भाई, तो पहनते हैं इसको, पहन के देखते हैं कैसा है। ये देखो बहुत भारी है यार,
तो उसकी माँ मुझे कुछ ना कुछ कभी कभी हमेशा नहीं देती रहती है। तो ये देखो कैसा लग रहा है, ब्रांड है भाई, ब्रांड कंपनी का है। और ये देखो खाने के लिए भी है। खुल जा यार, इतना टाइट बांध के नहीं। खाना तो अभी यही है मेरे पास, ये खाएंगे हम। और अभी मैगी बनाएंगे, मैगी दो टुकड़े के लिए आकर रखे हैं, इसको बनाएंगे अभी खाने के लिए। ये देखो इतना अच्छा वाला है, मेरे को देख नहीं रहा होगा आप लोग। वाह भुजा हुआ, तो चलते हैं इसको पहने के लिए, बहुत भारी लग रहा है। चलते हैं मैगी बनाने, थोड़ा प्याज और पहले उबालने के लिए रख देते हैं, उसके बाद प्याज व्याज मिर्चा उर्चा सारा काट लेंगे। तब तक तो आप लोग वीडियो में बने रहो। ये ले लिया मैंने पानी, कैमरा थोड़ा सा उधर हो गया, ये हो गया पानी अपना, उधर गया लाइटर। ये वाला अपने यहाँ मिलता है क्या, ये वाला ऐसा कमेंट करके बताना। नीले पैकेट वाला मिलता है, हरा पैकेट वाला नहीं। इसमें दिया है मसाला, देखो सेम अपने जैसा दिया मसाला है। और ये खाना अभी है, अब खाना कल बनाएंगे। खाना मन भी नहीं कर रहा बनाने के, और जाएंगे अभी देखेंगे सलमान के रूम पे, थोड़ा बैठेंगे। तो पानी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम है, लेकिन जब उबल जाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तब तक ये उबलता है तब तक हम प्याज व्याज काट लेते हैं, टमाटर वमाटर इसको छोड़ देते हैं और अपना लेके आते हैं। तक अपना ये होगा तब तक, ये शायद मुझे लग रहा है कि हो गया है, रेडी हो गया एकदम ठीक है। तो
थोड़ा थोड़ा और हो जाए ठीक है, बाद में थोड़ा सा टाइट रहता तो मज़ा नहीं आता, जब तक सही से पकता नहीं है ये देखो। और ये अपना टमाटर काट के रेडी कर लिए हैं देखो, ढक देते हैं जब जल्दी होगा। तो वेट करते हैं 5 मिनट में, बस ये रेडी हो गया। मैगी 2 मिनट का नहीं, 15 मिनट मैंने लगाया है भाई। बस इसको बनाना है, मतलब ये हो गया, पानी में उबल गया है। और 2 मैगी बनाया तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। रिजवान को फ़ोन करते हैं, देखते हैं कहाँ है रिजवान। रिजवान डॉन नाम है इसका, नंबर एक बार सो हो गया था भाई इसका नंबर, बहुत फ़ोन ऑन कर रहे थे, सबसे बोला भाई ऐसे दिखा होते ऐसे फ़ोन किया। क्या मचाई दियो भाई, आओ इधर आओ, मैगी बना रहे हो, कहें बनाए 2 मैगी तो हम कहें रिजवान को बुला रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। आओ 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 बना रहे हैं, गैस पर रख दिए भौंसड़ी जी। तो भाई साहब लगे हैं काम में, बोले हैं कुछ टाइम मिलता है तो आते हैं, कहें ठीक है आओ, इंतजार है आपका। तो भाई ये हो गया हमारा रेडी, इसको देखो हम कैसे बनाते हैं। अब इसको धुल देते हैं, ये जो इसमें पानी निकलता है ना, कई लोग कहते हैं ये पानी नहीं रहता है तो अच्छा नहीं होता है, मुझे ये पानी नहीं चाहिए भाई, मुझे लगता है कि गंदा रहता है। तो इसको हम ले जा रहे हैं अभी, इसको पानी में भिगो देंगे, देखो इसमें ले जाएंगे, ऐसे जो भी बनता है देखो सारा कचरा निकल जाएगा। तो तब तक ये होगा, तब तक अपना फ्राई पैन लगा रहे हैं, मेरा फ्राई पैन, तब तक मसाला बना ले रहे हैं अपना। दो बार मेरा हाथ जल गया इससे। ये फ्राई पैन है मेरे दोस्त का भाई, ये देखो कितना काला कर दिया जला जला के। मेरे पास था ना उसको दे दिया, छोटा वाला था मैं उसको दे दिया, ये थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने ले लिया। आज कोई आया नहीं मेरे रूम पे, हमेशा भीड़ लगता है एकदम। जीरा तो इतना टाइट मैंने डाल दिया हूँ, जीरा थोड़ा सा बस, थोड़ा खोलिए नहीं, इसको थोड़ा पकने देते हैं, टमाटर गल जाएगा उसके बाद इसे ही ढंक दें, छोटा पड़ रहा है, चलो ऐसे ही तो उसको धुल देते हैं अपना। देखो देखो इसमें कितना निकलेगा, सब गंदा रहता है मुझे लगता है ऐसे, इसलिए मैं धुल के बनाऊँ। कुछ लोग को इसी में स्वाद आता है भाई, कहते हैं सारा विटामिन गिरा दे रहा हूँ, कहते हैं भाई हमको नहीं खाना है विटामिन। अपना बस मसाला हो जाए, कहाँ घूम रहे हो? खाता तो सूख सामान में तो लगभग करता मूड उसके अंदर हमारे कटों में। खाओगे? इसमें भी हम डालेंगे, देखो हल्दी, ये है हल्दी, थोड़ा सा हल्दी, गैस अब थोड़ा धीमा कर लेते हैं, ज़्यादा तेज। ये हो गया हमारा हल्दी,
और ये हो गया हमारा थोड़ा सा धनिया, पिसा हुआ धनिया, और क्या थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा ये हमारा मैगी मसाला है, गाइस हमारा मसाला हो गया है रेडी। और ये लो मेरा मैगी बनाई दी है, इसको होटल मार्टर लंबे वो करेंगे। बस थोड़ा सा पक जाए, हमारा हो गया मैगी रेडी। और इधर देखो आ गया, अभी कौन आया, रिजवान। तो गाइस हमारा हो गया, देखो इसको बोला हूँ रिजवान को खा लेते, इसको कह रहे हम नहीं खाएंगे। चम्मच मेरे पास नहीं है यार, चाकू से ही खाएंगे। खाओ यार रिजवान दें, नहीं मैं नहीं खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो भाई अभी खाएंगे खाना वाना, रिजवान लाया था रोटी वोटी वही खा ली है, अभी गए तो उधर ड्यूटी से, उधर भी गए होटल पे तो खुला ही नहीं था तो चम्मच नहीं है चम्मच था यार प्लास्टिक वाला, टूट गया सारा, वो इसमें है लेकिन उसमें से थोड़ी निकाली मसाला में से। इसी से खाएंगे भाई, एक बार ऐसे खा रहे थे ना रिजवान, इसी से ये जो दांत है ना इसका ऐसे दांत जब खींचे ना खड़ा। तो गाइस बने रहो, और अभी हम लोग जाएंगे सलमान के रूम पे, देखेंगे क्या करेंगे, और नहीं भी जाएंगे हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है तो चल तो खा लेते हैं फिर। तो गाड़ी खाना खाना इसलिए नहीं खा रहे थे हम क्योंकि आज मैच खेलने जा रहे थे, और रिजवान को बोले हैं तो ये भाई थक गए हैं, चलो घूम कर चलो जाए 5 मिनट में, चलो ज़्यादा थको मत, तुम बहुत थक रहा हो, खोल दे क्या राज इसी में, हाँ सॉरी राज खोल दे क्या, राज खोल दे, राज राज मत खोल, सही बात है। तू तो घान कर दे सबको बता कैसा। कोई दिक्कत नहीं यार, दोस्त है, मजाक मत। राज यही है कि अकेले अकेले मछली खा ली और कुछ नहीं, आधा का एक घंटा खाने बाद खिलाया खिलाया धीरे धीरे, नहीं खिलाया रे गद्दारी कर, इसीलिए हम कहें ना राज है खोल, सबर तो कर। हरी जान तो कहाँ हो रहा मैच अंसारी भाई, ये गली में हो रहा है, कहाँ कहाँ की टीम आया है, कहाँ कहाँ की टीम है, बिहार झारखंड जा रहे हैं। तो देखो भाई रात को भी हम लोग यही मैच होता है कभी कभी, हमेशा नहीं। इंसैनिटी कहाँ है भाई, किधर टीम, टीम तो जा रही नहीं अभी, टीम तो यही टीम है ना उधर अंदर बैठे हैं, तब तो हो ही जाएगा 3 यूपी और 2 बिहारी, एक ही बिहारी सब भारी है, 2 बिहारी क्या जरूरत है, कोई बात नहीं यार, बिहारी अपने भी भाई हैं, हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं भाई, यूपी से, यूपी बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है क्या भाई, जितने यूपी बिहार वाले हैं बात बोलो सही है कि नहीं। तो भाई कहाँ जा रहे हो, इधर मैच हो रहा है, खेल रहे हैं सब, उधर ठक ठक कर रहे हैं, नहीं सब आ जा रहा है, ठक ठक कर रहा है, कौन सा मैच हो रहा है। महेंद्र सिंह धोनी सलमान, ये देखो क्या लोकेशन है, शीशा तोड़ने वाले ये। चाचा
वो कहाँ है इकराम, कहाँ गया इकराम? गाड़ी लागे खड़ी किया है तू कहाँ से वो सटर सटर का पूनम वाला। चलो 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 चाचा हाँ रेडी। हम कहीं चला गया पहले ही ना अंदर नहीं खुला है गेट। हाँ आगे खुला है सब। बहुत बार बेहद नड़ा यार देर देर अंसारी भाई सर को खुजाते हुए भाई मैच हो गया हम लोग का फाइनल। और ये देख सकते हो शकल देख के बता सकते हैं हार के आए हैं भाई सबसे ज्यादा मैं ही खेला हूँ चारों में। और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पे ये ऐसा होगा अगर गाड़ी होता तो रूम में थोड़ी खड़ा होता बोल दरवाजे में खड़ा होता ना मैं उस दिन मुझे लगा मजाक वजाक कर। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। और सब कोई मैच वैच खेल के चला गया घर। और कल मदरसा है ना आप लोगों को मालूम है तो देखो 11 बजने वाला है देखो टाइम। तो अभी हम भी जा रहे हैं भाई सोने अब थक गए भाई एकदम सुबह से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो और मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखो अपने भाई पे।